जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बीटेक सीएस के बारे में। पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि बीटेक सीएस का क्या स्कोप है, क्या इसमें आपको पढ़ाया जाता है, कहां से आपको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो यानी कि बीटेक सीएस को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं उन सबका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बीटेक सीएस ये होता क्या है। बीटेक सीएस तो लगभग सभी को पता है। बीटेक सीएस यानी कि सीएस का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, सभी को पता है। यानी कि आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, किसमें? कंप्यूटर साइंस में। तो अब हम इसके बारे में सब वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन यानी कि ये कितने साल का कोर्स होता है। साथियों इंजीनियरिंग की डिग्री सभी को पता है 4 साल की होती है, यानी कि कितने ड्यूरेशन हो गए भाई इसके? 4 ईयर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आगे पॉइंट आने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो साथियों इसके लिए इंजीनियरिंग यदि आपको करनी है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपने 12th अपना पास किया हुआ हो, और 12th में आपके पास क्या होना चाहिए? PCM होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में क्या किया हुआ? अपना 12th किया हुआ हो, और साथ के साथ उसमें आपकी परसेंटेज जो है वो 45% होना चाहिए, यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो 50% है, और जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने अलग क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, लेकिन जो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है वो है आपका 45% होना, आपका मिनिमम आपका परसेंटेज होना चाहिए पीसीएम में भी और ओवरऑल भी। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यदि आपको भी बीटेक सीएस या किसी और ब्रांच में एडमिशन लेना है तो सक्षम एजुकेशन हर साल लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो यदि आप भी अपना स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट से अलग होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। जो कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी जो गवर्नमेंट से मिलेगी वो अलग होगी, और जो सक्षम एजुकेशन से मिलेगी वो आपकी अलग होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो यानी कि अब हम इसके नाम से बात करें कि बीटेक सीएस कंप्यूटर साइंस, तो इसमें सब सारी जो चीजें जो सिखाई जाती हैं वो सिखाई जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। यानी कि आपका जो पहले नॉर्मल जो मैं आपको बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, मैकेनिक्स भी होता है, यानी कि लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है सीएस का, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते रहते हैं बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो कम होते जाते हैं, यानी कि उनको हटा दिया जाता है, और सिर्फ जो सब्जेक्ट आपके बनते जाते हैं वो बनते जाते हैं किसके? कंप्यूटर साइंस के। यानी कि उसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, डेटाबेस सिखाया जाता है, हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। पहले आपको फाइनल ईयर में बनाना होता था, लेकिन अब आपको हर साल जैसे कर दिया है कि आप जो सेकंड सेमेस्टर होता है, फोर्थ सेमेस्टर होता है, तो उसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है। पहले सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड ईयर में ही आपको इंटर्नशिप करनी होती थी, लेकिन अब कर दिया है आपको हर यानी कि 2 सेमेस्टर में आपको क्या करनी है? इंटर्नशिप करनी है। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रूल रेगुलेशन है, वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जॉब के बारे में कि गवर्नमेंट जॉब कितनी है। साथियों जो बीटेक सीएस है इसका क्रेज कभी भी कम होने वाला नहीं है, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो साथियों गवर्नमेंट में इसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, वो वैकेंसीज ऐसी होती हैं सिर्फ और सिर्फ कौन भर सकते हैं? बीटेक सीएस वाले बच्चे ही फिल कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर ऑप्शन दे दिया जाता है कि बीसीए वाले बच्चे भी उनके लिए एलिजिबल कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें आर्मी में वैकेंसी निकलती है, रेलवे में निकलती है, आपका जो पुलिस है यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आपका इन सभी में आपकी इसकी वैकेंसी निकलती है, जो कि स्पेशल किसके लिए निकलती है? बीटेक सीएस वालों के लिए निकलती है, टेक्निकल यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, या आपका जो कंप्यूटर वर्क होता है उनके लिए, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपका कंप्यूटर वाले के लिए जहां भी वैकेंसी निकलती है वहां पर मैक्सिमम बीटेक के लिए ही एलिजिबल माना जाता है कि बीटेक आपने सीएस से किया हुआ हो या फिर आपने बीसीए एमसीए किया हुआ हो, तो ये ऑप्शन आपको वहां पर दिए जाते हैं। तो यानी कि जॉब की हम बात करें गवर्नमेंट जॉब में इसका स्कोप कभी भी कम होने वाला
नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसी है, करियर आफ्टर बीएड आपका बीटेक के प्राइवेट सेक्टर में जॉब का स्कोप इसका क्या है। तो साथियों जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बीटेक यदि आपने सीएस से किया है तो आज की डेट में ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कंप्यूटर। सब सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, कंप्यूटर पर डिपेंड करती हैं। कोई भी चीज है आपकी, सब सारी चीजें कंप्यूटर पर। जैसे आपको सपोज डेट कुछ मार्केट से लेने के लिए भेजा तो आपके पिताजी कहते हैं कि भैया वहीं से सामान लेके आना जहां पर कंप्यूटराइज कांटा है, यानी कि कंप्यूटर का नाम सब जगह जुड़ा हुआ है, सब जगह जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर का नाम कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बिना कंप्यूटर के है। तो यानी कि जो इसका स्कोप है, जो एक टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं आज की डेट में, दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। हम हॉस्पिटल से लेकर परचूने की दुकान तक बात करें तो सब जगह आपका कंप्यूटर है। और यदि कंप्यूटर है तो उनको चलाने वाले भी चाहिए, बनाने वाले भी चाहिए, उनको मैनेज करने वाले भी चाहिए। तो इसका जो स्कोप है कभी भी कम होने वाला नहीं है। तो कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है कि आपको कहीं पर भी जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसी करी है, किस इंस्टीट्यूशन से करी है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से की है, फिर आपको उसी लेवल की इसमें जॉब मिलती है। तो आप बीटेक सीएस यदि करना चाहते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हैं। काफी अच्छे कोर्स है, काफी अच्छी ब्रांच है। तो ये तो रहा स्कोप की बात। अब बात आती है कि हमें इसे कहां से करना चाहिए, कौन से इसके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। तो साथियों आप सभी को, लगभग सभी को पता होगा, सबसे पहला यदि नाम आता है कि भाई आपको कहां से करना चाहिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो वो आता है आईआईटीज का। यानी कि आप जो है आईआईटीज से कर सकते हैं, जितने भी आईआईटी के कॉलेज हैं इंडिया में वहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, किसी भी आईआईटी कॉलेज से आप कर सकते हैं। आपका वो कॉलेज बेस्ट ही होगा क्योंकि वो क्या है, आईआईटी की रैंक में आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आईआईटी जो आपका जेई के फॉर्म निकलते हैं, जेई मेंस के लिए, तो वो आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, उसके थ्रू आपके एडमिशन कराए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है एनआईटीज का, आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। सभी जगह इंडिया में जो है काफी सारे कॉलेजेस हैं, एनआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में और बहुत सारे जो कॉलेज हैं, जैसे आपका हम बात करें एसआरएम जो है वो उसका भी अच्छा स्कोप है। यदि आप एसआरएम से करते हैं तो एसआरएम यूनिवर्सिटी भी अपने आप में ब्रांड है, जो कि आपकी चेन्नई में भी है, दिल्ली एनसीआर में भी कैंपस है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने आप में टॉप मोस्ट हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो साथियों यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा कि आपको बीटेक सीएस जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरीके से उसमें एडमिशन होता है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हां साथियों मुझे कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।